जो राम सिया को भक्तों अपने हृदय बसाते हैं, जो राम सिया को भक्तों अपने हृदय बसाते हैं, उन राम दूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं, उन राम दूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं, जो रामचंद्र के सारे बिगड़े काज बनाते हैं, जो रामचंद्र के सारे बिगड़े काज बनाते हैं, उन राम दूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं, उन राम दूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं। अंजनी लाला हनुमत बाला भक्तों हैं बलकारी, अंजनी लाला हनुमत बाला भक्तों हैं बलकारी, वेदों ने महिमा बतलाई, वेदों ने महिमा बतलाई, सारे जग से भारी इस जगती में सबसे पावन हनुमान गाताए। आओ भक्तों श्रद्धा भक्ति, आओ भक्तों श्रद्धा भक्ति से हम सुने सुनाए, शीश नवाते हैं आपको शीश नवाते हैं, कथा सुनाते हैं हनुमत कथा सुनाते हैं। जय जय श्री बाल समय रवि भक्ष लिया था आओ कथा सुनाऊं, बाल समय रवि भक्ष लिया था आओ कथा सुनाऊं, कैसे सूरज को निगला था, कैसे सूरज को निगला था भक्तों मैं बतलाऊं, एक सुबह जब जगे नींद से भूख बहुत लग आई, आस पास जो नजर दौड़ाई, आस पास जो नजर दौड़ाई, मैया नजर ना आई, माँ को बुलाते हैं बजरंग माँ को बुलाते हैं, कथा सुनाते हैं हनुमत कथा सुनाते हैं। जय जय श्री उगते सूर्य को जब था देखा उसको फलता जाना, उगते सूर्य को जब था देखा उसको फलता जाना, ऊंची एक छलांग लगाई, ऊंची एक छलांग लगाई,
खान चले हनुमाना, राहु केतु रोकने आए तुमको रोक न पाए। पकड़ा सूर्य देव को तुमने, पकड़ा सूर्य देव को तुमने, मुख में लिया दबाए। हैरत आते हैं सब हैरत में आते हैं, हैरत आते हैं सब हैरत में आते हैं। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। सारी सृष्टि में छाया फिर भक्तों था अंधियारा, सारी सृष्टि में छाया फिर भक्तों था अंधियारा। बजरंगी के सन्मुख आया, बजरंगी के सन्मुख आया, देखो जग था सारा। देवी देवों ने मिल करके बजरंग को समझाया, पर बजरंगी नहीं थे माने, पर बजरंगी नहीं थे माने, कुछ भी समझ ना आया। समझ न पाते हैं कोई समझा ना पाते हैं, समझ न पाते हैं कोई समझा ना पाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय ने बजरंगी की ठोड़ी पर था वज्र चलाए। इंद्र ने बजरंगी की ठोड़ी पर था वज्र चलाए। मूर्छित हो गए बजरंग बाला, मूर्छित हो गए बजरंग बाला, भूमि पर गिर आए। बजरंगी को मूर्छित देखा पवन क्रोध में आए। प्राण वायु दी रोक उन्होंने, प्राण वायु दी रोक उन्होंने, अपना क्रोध दिखाए। सब समझाते हैं उनको, सब समझाते हैं, कथा सुनाते हैं हनुमत, कथा सुनाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय बजरंगी की हनु टूटी, हनुमान का नाम थे पाए। बजरंगी की हनु टूटी, हनुमान का नाम थे पाए। पवन देव ने सूर्य देव को, पवन देव ने सूर्य देव को भक्तों मुक्त कराए। सब देवों ने अपनी शक्ति हनुमान को दीनी। हनुमान ने शीश झुका के, हनुमान ने शीश झुका के अपने नाम कर लीनी। जय जय बुलाते हैं सारे, जय जय बुलाते हैं, कथा सुनाते हैं हनुमत, कथा सुनाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। ओ, आ, ओ,
बड़े हुए तो राम मैत्री सुग्रीव संग कराए, बड़े हुए तो राम मैत्री सुग्रीव संग कराए, बाली मरवा राम के हाथों, बाली मरवा राम के हाथों राजपाट दिलवाए, सिया सुधी लेने की खातिर लंका नगरी धाए, बाग उजाड़ा अक्षय मारा, बाग उजाड़ा अक्षय मारा लंका दई जलाए, सिया सुधलाते हैं बजरंग सिया सुधलाते हैं, कथा सुनाते हैं हनुमत कथा सुनाते हैं, जय जय श्री राम जय जय हनुमान, जय जय श्री राम जय जय नाथ ने छल से लक्ष्मण जी को शक्ति मारी, मेघनाथ ने छल से लक्ष्मण जी को शक्ति मारी, मूर्छित हो गए लक्ष्मण भ्राता, मूर्छित हो गए लक्ष्मण भ्राता विपदा आई भारी, पवन वेग से उड़ के बाला संजीवन थे लाए, लखन लाल के प्राण बचाए, लखन लाल के प्राण बचाए राम के काज बनाए, प्रभु हर्षाते हैं राम जी गले लगाते हैं, प्रभु हर्षाते हैं राम जी गले लगाते हैं, जय जय श्री राम जय जय हनुमान, जय जय श्री अहि रावण जो राम लखन को ले पाताल सिधाया, अहि रावण जो राम लखन को ले पाताल सिधाया, भुजा उखाड़ी असुर की तुमने, भुजा उखाड़ी असुर की तुमने यमपुरी पहुँचाया, नागपाश के बंधन में जो राम लखन थे आए, लाए गरुड़ को बजरंग बाला, लाए गरुड़ को बजरंग बाला प्रभु के प्राण बचाए, शीश झुकाते हैं फिर भी शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं हनुमत शीश झुकाते हैं, जय जय श्री राम जय जय हनुमान, जय जय श्री हनुमान। लंकापति ने हनुमान का जब उपहास उड़ाया, लंकापति ने हनुमान का जब उपहास उड़ाया, चीर के सीना राम सिया का, चीर के सीना राम सिया का दर्शन था दिखलाया, राम नाम का चंदन तुमने अपने तन पे लगाया, रामचंद्र ने सबसे बढ़ के, रामचंद्र ने सबसे बढ़ के तुमको भक्त बताया, पार लगाते हैं भव से पार लगाते हैं, पार लगाते हैं बजरंग पार लगाते हैं, जय जय श्री राम जय जय हनुमान, जय जय श्री राम जय जय हनुमान।
जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। भक्तजनों, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में सबसे सुंदर प्रसंग आता है सुंदर कांड का। जी हाँ, यह सुंदर कांड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन करता है। कहते हैं सुंदर कांड को पढ़ने, सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायण पढ़ने का शुभ फल प्राप्त होता है, तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी की कृपाएं प्राप्त होती हैं। तो आइए पवित्र पावन सुंदर कांड का संगीतमय श्रवण इस सरल वाणी में सुनते हैं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। रामायण में सबसे सुंदर भक्तों सुंदर कांड है। श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर भक्तों सुंदर कांड है। श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर सीता को खोजते खोजते श्री हनुमान जी, अंगद, जामवंत जी और अन्य वीर सागर तट पर आ पहुंचे हैं। जामवंत के याद दिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभु राम जी की मुद्रिका को मुख में डालकर पवन वेग से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं। मार्ग में उन्हें सुरसा नामक राक्षसी मिलती है, जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है। देवताओं के वरदान का मान रखते हुए श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं। सुरसा उनकी चतुराई से अति प्रसन्न होती है और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद देती है। उड़ते उड़ते हनुमान जी लंका नगरी आ पहुँचते हैं कि क्या देखते हैं, द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है। श्री हनुमान जी ज्यों ही लघु रूप बनाकर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोककर उनसे युद्ध करने लगती है। मारी लात मुष्टिका थी मारी, लंकिनी धरा पे गिर आई। जाओ राम के काज कराओ, हनुमत से वो बतलाई। हनुमान के हाथों मर के मुक्ति उसने पाई है। लंका भीतर हनुमत आए, अखियां फिर चौंधाई है। सिया माँ का पता न पाए, सिया माँ का पता न पाए, हैरत में हनुमान है। श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर तो सुंदर कांड है। श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक कुटिया दिखती है। सत्य जानने हेतु वे ब्राह्मण का रूप बना कुटिया में जाते हैं, तो वहां पर पापी रावण का
श्री राम का परम भक्त भाई विभीषण को पाते हैं, दोनों में मैत्री हो जाती है और वहीं से हनुमान जी को माँ सिया का पता प्राप्त होता है। अशोक वाटिका में पहुंचकर श्री हनुमान जी माँ सिया को प्रभु की मुद्रिका देकर उनका संदेश देते हैं और माँ सीता से वात्सल्य और ढेर सारे वरदान प्राप्त करते हैं। माँ सीता की अनुमति लेकर वो बगिया से फल तोड़कर खाने लगते हैं, जिससे उनका राक्षसों से भयंकर युद्ध हो जाता है, जिसमें रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है। अब रावण का परम प्रतापी पुत्र मेघनाद उन्हें पकड़कर अपने पिता रावण के पास ले जाता है। सीता माँ को वापस कर दो, हनुमत ये समझाते हैं। सुनी बात हनुमत की रावण क्रोध में आ जाते हैं। तेल बोरी पट बांध पुनी फिर पूछ में आग तिलकवाई। हनुमत ने भी राम बोल के सारी लंका जलवाई। गूंज रहा लंका में देखो, हाँ गूंज रहा लंका में देखो, भक्तों जय श्री राम है। श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर भक्तों सुंदर कांड है, श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर श्री हनुमान जी ने जय जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूंछ से जला दिया। इधर हनुमान जी जय श्री राम बोलते जाते, उधर लंका में हाहाकार मचता जाता। एक विभीषण की कुटिया को छोड़ सारी लंका जलकर राख बना दी। समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाकर हनुमान जी माँ सिया के सन्मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूप उनकी चूड़ामणि लेकर जय श्री राम का उद्घोष करते हुए रामादल में लौट आते हैं। प्रभु श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को हृदय से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं। अब प्रभु की सेना सागर तट पर आ पहुंची है। तपस्या फिर भी सागर ना माना, श्री राम ने अग्नि बाण फिर अपने धनुष पर था ताना। क्षमा मांग ली सागर ने और ये उपाय थे बतलाए, नल और नील के हाथों सागर पर से तू तो बंधवाए। शिला तैर गई सागर में, शिला तैर गई सागर में, इस पर तो लिखा श्री राम है। श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर भक्तों सुंदर कांड है, श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका तट पर आ पहुंची। रावण का भाई विभीषण तो पहले ही रामादल में सम्मिलित हो चुका था, आज रावण सेना का संचालन मेघनाद कर रहा है और इधर राम सेना का नेतृत्व लक्ष्मण जी कर रहे हैं। दोनों योद्धाओं में घनघोर भयंकर युद्ध हुआ कि तभी मेघनाद ने
शक्ति प्रहार से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। विभीषण के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्य सुषेण को ले आए। वैद्य जी के बताए अनुसार श्री हनुमान जी पवन वेग से उड़कर हिमालय पर्वत श्रृंखला से संजीवन बूटी वाला द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। संजीवन ग्रहण करते ही लक्ष्मण जी जीवित हो उठे और पूरे रामादल में जय श्री राम और जय हनुमान जी की जयकार होने लगी। बूटी वाला पर्वत लाए प्राण लखन के राखे थे, काम काज करने में हनुमत भक्तों सबसे आगे थे। भरत समान बताए राम जी उनको हृदय लगाए थे, प्रेम के आंसू भक्त और भगवान की आंखों आए थे, राम चरण में बैठ गए थे, राम चरण में बैठ गए थे। भक्तों फिर हनुमान है, श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर भक्तों सुंदर गान है, श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर रावण और राम जी के बीच घनघोर युद्ध हुआ भक्तों, और रावण का अंत कर प्रभु श्री राम जी ने माँ जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भ्राता लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक योद्धाओं के साथ पुष्पक विमान चढ़कर अयोध्या आ गए। भाई भरत ने विधि विधान से राम जी का राज तिलक करवाया। अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीपावली मनाई। देश देशांतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिए। विभीषण ने भी अनमोल रत्नों की माला माँ सीता को भेंट स्वरूप दी, जो माँ सीता जी ने हनुमत के गले में पहना दी। और हनुमत को देखो, माला का एक एक मनका तोड़ता जाता है और उसे फेंकता जाता है। विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की। क्रोध में विभीषण के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं, आइए सुनाता हूँ। लंकापति ने हंसी उड़ाई आंखों आंसू भर आए, सीना चीर के राम सिया का दर्शन सबको करवाए। राम नाम का चंदन अपने तन मन पे सब रंग डाला, राम भक्त कोई हुआ न होगा हनुमत तुम सा मत वाला। जिसकी श्वास श्वास में भक्तों, जिसकी श्वास श्वास में भक्तों बसते प्रभु श्री राम है, श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर भक्तों सुंदर गान है, श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है, करता ये गुणगान है। रामायण में सबसे सुंदर बसाते हैं। जो राम
नाम सिया को भक्तों अपने हृदय बसाते हैं। जो राम सिया को भक्तों अपने हृदय बसाते हैं, उन राम दूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं। उन राम दूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं। जो रामचंद्र के सारे बिगड़े काज बनाते हैं, जो रामचंद्र के सारे बिगड़े काज बनाते हैं, उन राम दूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं। उन राम दूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं। अंजनी लाला हनुमत बाला भक्तों हैं बलकारी। अंजनी लाला हनुमत बाला भक्तों हैं बलकारी। वेदों ने महिमा बतलाई, वेदों ने महिमा बतलाई, सारे जग से भारी। इस जगती में सबसे पावन हनुमान गाताएं। आओ भक्तों श्रद्धा भक्ति, आओ भक्तों श्रद्धा भक्ति से हम सुने सुनाए। शीश नवाते हैं आपको, शीश नवाते हैं, कथा सुनाते हैं हनुमत कथा सुनाते हैं। जय जय श्री बाल समय रवि बख्श लिया था, आओ कथा सुनाऊं। बाल समय रवि बख्श लिया था, आओ कथा सुनाऊं। कैसे सूरज को निगला था, कैसे सूरज को निगला था, भक्तों मैं बतलाऊं। एक सुबह जब जगे नींद से भूख बहुत लग आई, आस पास जो नजर दौड़ाई, आस पास जो नजर दौड़ाई, मैया नजर ना आई। माँ को बुलाते हैं बजरंग, माँ को बुलाते हैं, कथा सुनाते हैं हनुमत कथा सुनाते हैं। जय जय श्री उगते सूर्य को जब था देखा, उसको फलता जाना। उगते सूर्य को जब था देखा, उसको फलता जाना। ऊंची एक छलांग लगाई, ऊंची एक छलांग लगाई, खान चले हनुमाना। राहु केतु रोकने आए, तुमको रोक न पाए। पकड़ा सूर्य देव को तुमने, पकड़ा सूर्य देव को तुमने, मुख में लिया दबाए। हैरत आते हैं सब हैरत में आते हैं, हैरत आते हैं सब हैरत में आते हैं। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम।
सारी सृष्टि में छाया फिर भक्तों था अंधियारा। सारी सृष्टि में छाया फिर भक्तों था अंधियारा। बजरंगी के सन्मुख आया, बजरंगी के सन्मुख आया, देखो जग था सारा। देवी देवों ने मिल करके बजरंग को समझाया, पर बजरंगी नहीं थे माने, पर बजरंगी नहीं थे माने, कुछ भी समझ ना आया। समझ न पाते हैं कोई समझा ना पाते हैं, समझ न पाते हैं कोई समझा ना पाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय ने बजरंगी की ठोड़ी पर था वज्र चलाए। इंद्र ने बजरंगी की ठोड़ी पर था वज्र चलाए। मूर्छित हो गए बजरंग बाला, मूर्छित हो गए बजरंग बाला, भूमि पर गिर आए। बजरंगी को मूर्छित देखा पवन क्रोध में आए। प्राण वायु दी रोक उन्होंने, प्राण वायु दी रोक उन्होंने, अपना क्रोध दिखाए। सब समझाते हैं उनको, सब समझाते हैं, कथा सुनाते हैं हनुमत, कथा सुनाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय बजरंगी की हनु टूटी, हनुमान का नाम थे पाए। बजरंगी की हनु टूटी, हनुमान का नाम थे पाए। पवन देव ने सूर्य देव को, पवन देव ने सूर्य देव को भक्तों मुक्त कराए। सब देवों ने अपनी शक्ति हनुमान को दीनी। हनुमान ने शीश झुका के, हनुमान ने शीश झुका के अपने नाम कर लीनी। जय जय बुलाते हैं सारे, जय जय बुलाते हैं, कथा सुनाते हैं हनुमत, कथा सुनाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय हुए तो राम मैत्री सुग्रीव संग कराए। बड़े हुए तो राम मैत्री सुग्रीव संग कराए। बाली मरवा राम के हाथों, बाली मरवा राम के हाथों, राजपाट दिलवाए। सिया सुधी लेने की खातिर लंका नगरी धाए। बाग उजाड़ा अक्षय मारा, बाग उजाड़ा अक्षय मारा, लंका दई जलाए। सिया सुध लाते हैं बजरंग, सिया सुध लाते हैं, कथा सुनाते हैं हनुमत, कथा सुनाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय
मेघनाथ ने छल से लक्ष्मण जी को शक्ति मारी। मेघनाथ ने छल से लक्ष्मण जी को शक्ति मारी। मूर्छित हो गए लक्ष्मण भ्राता, मूर्छित हो गए लक्ष्मण भ्राता, विपदा आई भारी। पवन वेग से उड़ के बाला संजीवन थे लाए। लखन लाल के प्राण बचाए, लखन लाल के प्राण बचाए, राम के काज बनाए। प्रभु हर्षाते हैं राम जी गले लगाते हैं, प्रभु हर्षाते हैं राम जी गले लगाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय अहि रावण जो राम लखन को ले पाताल सिधाया। अहि रावण जो राम लखन को ले पाताल सिधाया। भुजा उखाड़ी असुर की तुमने, भुजा उखाड़ी असुर की तुमने, यमपुरी पहुँचाया। नागपाश के बंधन में जो राम लखन थे आए। लाए गरुड़ को बजरंग बाला, लाए गरुड़ को बजरंग बाला, प्रभु के प्राण बचाए। शीश झुकाते हैं फिर भी शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं हनुमत शीश झुकाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री हनुमान। लंकापति ने हनुमान का जब उपहास उड़ाया। लंकापति ने हनुमान का जब उपहास उड़ाया। चीर के सीना राम सिया का, चीर के सीना राम सिया का, दर्शन था दिखलाया। राम नाम का चंदन तुमने अपने तन पे लगाया। रामचंद्र ने सबसे बढ़ के, रामचंद्र ने सबसे बढ़ के तुमको भक्त बताया। पार लगाते हैं भव से पार लगाते हैं, पार लगाते हैं बजरंग पार लगाते हैं।